हाँ नहीं, तो ये हमारे पास बेसिक टॉपिक है, 6-7 स्टैंडर्ड में आता है, जैसे छोटे छोटे डेफिनेशंस। पहला जो इसमें डेफिनेशन आएगी दैट विल बी कॉस्ट प्राइस सीपी, क्रय मूल्य किसे बोला जाता है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या होता है, द प्राइस दैट बी द पर्सन बायज द प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन कोई चीज खरीद रहा है, तो वो कितने की खरीद रहा है, दैट विल बी कॉस्ट कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस, मींस बायज अ प्रोडक्ट। अगर कोई चीज खरीद रहा है और वो कितने की खरीद रहा है, दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस। दूसरा हमारे पास आता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस SP, विक्रय मूल्य जिसे बोला जाता है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच पर्सन सेल्स अ प्रोडक्ट, पर्सन सेल्स अ प्रोडक्ट कितने की वो बेच रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब फिर हमारे पास अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बाद प्रॉफिट, लाभ, प्रॉफिट क्या होगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसी फॉर्मूले से देखिए, अगर मैं SP निकालूंगा और प्रॉफिट और CP दिया है, तो हमारे पास SP एज इट इज ही रहेगा इस तरफ, और ये आ जाएगा प्रॉफिट माइनस का है CP, यहां पे प्लस का CP आ जाएगा। सेकंड, अगर मैंने CP फाइंड आउट करना है और SP और प्रॉफिट दिया है, तो CP को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड, प्लस का हो जाएगा CP, और सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट को आप राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये प्रॉफिट से निकल के हमारे पास फॉर्मूलाज। नाउ सेकंड है लॉस, लॉस तो लॉस क्या होगा, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब यहां से फॉर्मूलाज, अगर मैंने CP निकालना है, CP ये एज इट इज रहा राइट हैंड साइड, और लॉस और सेलिंग प्राइस दिया है, तो लॉस सेलिंग प्राइस माइनस का है, यहां पे प्लस का हो जाएगा। सेकंड, अगर हमने SP सेलिंग प्राइस निकालना है और CP और लॉस दिया है, तो सेलिंग प्राइस माइनस का है, राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, प्लस का हो जाएगा, तो यहां पे CP माइनस लॉस, लॉस ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड। मींस एक एक फॉर्मूला याद कीजिए और क्वेश्चन में देखिए क्या क्वांटिटी, व्हाट क्वांटिटी इज गिवन, दिया क्या गया है और हमने फाइंड आउट क्या करना है। तो उसी तरह से जैसे एक से दो फॉर्मूले निकले, यहां से भी लॉस से दो फॉर्मूले निकल गए हमारे पास। अब ये फॉर्मूले तो हमें याद करने ही पड़ेंगे, तो इनका ये मेन एक ही चीज है, अगर हमारा मेन फॉर्मूला याद होता है, तो वहां से वो हमारे पास रेस्ट ऑफ फॉर्मूला जो है वो बाकी वहां के निकल आते हैं। अब हम चलते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है और क्वेश्चन में प्रॉफिट और CP दिया है, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, प्रॉफिट और CP दिया है तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, और अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो पहले प्रॉफिट निकालिए फिर प्रॉफिट परसेंट निकलेगा हमारे पास। ऑन इन सिमिलर वे अगर हमने निकालना है लॉस परसेंट, लॉस परसेंट और लॉस और CP दिया है, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100, और अगर हमारे पास लॉस नहीं है तो पहले हम लॉस फाइंड आउट करेंगे फिर उसके बाद हमारे पास लॉस परसेंट आएगा। नेक्स्ट थर्ड, अगर हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट इज गिवन, ये भी गिवन है, कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, और हमने फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू CP, क्योंकि ये सिचुएशन देखने पड़ेगी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इन सिमिलर वे अगर हमारे पास क्वेश्चन में लॉस परसेंट इज गिवन या लॉस परसेंट दिया या लॉस परसेंट नहीं है, तो पहले लॉस निकालिए फिर उसका लॉस परसेंट, लॉस परसेंट गिवन है और फिर CP गिवन है, लॉस परसेंट इज गिवन एंड CP इज गिवन, फिर SP, तो SP किस तरह निकलेगा, यहां प्लस का साइन था यहां माइनस आ जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP,
मीन्स क्वेश्चन में हम क्वांटिटीज को देखें बड़े ध्यान से। तो देखो प्रॉफिट परसेंट और सीपी दिया है तब भी हम एसपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉस परसेंट और सीपी दिया है तो भी हम एसपी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब प्रॉफिट परसेंट और सीपी से एसपी, लॉस परसेंट और सीपी से एसपी, अब हम कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे दोनों में। कॉस्ट प्राइस किस तरह फाइंड आउट करेंगे? नाउ इफ प्रॉफिट परसेंट, इफ प्रॉफिट परसेंट एंड एसपी, दीज टू आर गिवन, तो सीपी किस तरह फाइंड आउट होगा? सीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे? 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू एसपी, इस तरह फाइंड आउट करेंगे। इफ लॉस परसेंट, अगर हमारे पास लॉस परसेंट और एसपी दिया है सेलिंग प्राइस, देन सीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे? 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, और मतलब क्वेश्चन के सिचुएशन के अनुसार क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग भी हम फॉर्मूलेज अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज था हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य जिसे बोला जाता है। मार्क प्राइस क्या होता है हमारे पास? मार्क प्राइस अंकित मूल्य। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे किसी शॉप में जा रहे हैं तो वहां से अगर मान लीजिए आपने एक नोटबुक लिया और उस नोटबुक के ऊपर लिखा है MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस ₹50, उस कॉपी के ऊपर अंकित है ये, तो दिस इज कॉल्ड मार्क प्राइस, इसे हम मार्क प्राइस बोलते हैं, यानी कि जो प्रिंटेड प्राइस होगा। फिर आता है डिस्काउंट, डिस्काउंट जिसे हिंदी में रियायत, रियायत या बट्टा भी बोला जाता है, डिस्काउंट रियायत या बट्टा। तो ये डिस्काउंट किस तरह निकलता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्काउंट? डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस, जो अंकित मूल्य है उसमें से जो बेचने वाला मूल्य है सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, ये डिस्काउंट का फॉर्मूला आ गया। और अगर हमने डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। और अगर डिस्काउंट नहीं दिया है तो पहले आप डिस्काउंट निकालिए, तब जाके फिर डिस्काउंट परसेंट निकलेगा। और अगर सेलिंग प्राइस निकालना है और डिस्काउंट परसेंट दिया है तो मार्क प्राइस इनटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। सेलिंग प्राइस निकालना है और डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस दिया तो वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूलेस हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दिए हैं तो ये रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हैं, मीन्स ये फॉर्मूलेज ही हैं जो हमें करने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से फिर अब हम चलते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस हम करते हैं यहाँ से। जैसा कि मेरे पास डाउट आया था एक्सरसाइज टू है और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। एक्सरसाइज टू क्वेश्चन नंबर 9, तो इस क्वेश्चन में बोला है द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस। जो मार्क प्राइस है किसी आइटम का वो ट्वाइस है कॉस्ट प्राइस से। फॉर ए गेन ऑफ 15%, अगर गेन हमारे पास 15% है, गेन ऑफ 15 मतलब गेन 15% हो रहा है, देन व्हाट इज द डिस्काउंट? तो हमारे पास वो डिस्काउंट कितना होगा? व्हाट इज द डिस्काउंट? कितना डिस्काउंट दिया? गेन परसेंट भी हो रहा है तो डिस्काउंट कितना होगा हमारे पास? दिस वी हैव टू फाइंड। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस वे ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस। नाउ मान लीजिए मैं डिस्काउंट परसेंट मान के चल रहा हूं, क्योंकि देखिए डिस्काउंट रुपीज में भी हो सकता है और परसेंट में भी हो सकता है। अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में परसेंट आ रहा है, इसका मतलब मेरे को डिस्काउंट परसेंट निकालना पड़ेगा।
और अगर डिस्काउंट की बात होती है, अगर रुपीज में होता तो हमने रुपीज में निकालना था। इन ऑप्शंस परसेंटेज गिवन तो वी हैव टू फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, तो हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं डिस्काउंट परसेंट मान के चला, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू वाई, ये वाई परसेंट माना, और सीपी क्योंकि मार्क प्राइस ट्वाइस है तो मैं सीपी मान के चला रुपीज एक्स, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा इसका, रुपीज ट्वाइस बोला है 2x। अब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उस आइटम का, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम आफ्टर गेन ऑफ 50%, आफ्टर गेन ऑफ 15%, आफ्टर गेन ऑफ 15%। तो कौन सा फॉर्मूला लगा जी, देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस वो जो अभी हमने किया प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी, सो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज 15 अपॉन 100 एंड इट इज एक्स, सो विच इज इक्वल टू 115 अपॉन 100x। तो ये मेरे पास जी सेलिंग प्राइस आ गया रुपीज 115x अपॉन 100। अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन दिस क्वेश्चन ही सेज दैट सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है इट इज इक्वल टू द मार्क प्राइस माइनस, क्योंकि प्रॉफिट जब चल रहा था, मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट, फॉर्मूला आ गया है हमारे पास, मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट अपॉन 100। सो सेलिंग प्राइस इज गिवन 115 x upon 100 is equal to mark price हमारे पास था twice minus mark price था twice और discount percent we will take y upon 100। Now see calculation work, यहां पे देखिए ये आ गया 115 x upon 100 is equal to 2x माइनस 2x y अपॉन 100। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड x वाली टर्म्स, ये दोनों x की टर्म्स हैं और इसके साथ x y लगाए और ये माइनस का है, जब इसको हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 2x और 115 x upon 100 प्लस का, जब इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। नाउ 2xy upon 100 इज इक्वल टू 100 इनटू 2x 200x और 200x में से 115 माइनस करेंगे तो इट शुड बी 85, सो 85x upon 100, 100 कैंसिल, x विल बी कैंसिल, 2y is equal to 85 और यहां से y कितना आ जाएगा 85 upon 2, that is 42.5। तो y मेरे पास आ गया जी, y is equal to 42.5। अब ये y मेरे पास 42.5 आ गया और y मैं क्या मान के चल रहा था, y is the discount percent। तो I think आपको जिसका doubt था वो क्लियर हो गया। राणा जी देखें जिसका क्वेश्चन था, देखिए हो गया सर, रंजीत हो गया। हाँ सर आपकी स्क्रीन थोड़ी सी विजिबल नहीं है। मैसेज आ गया था, ठीक है। अच्छा, हो गया रंजीत? यस सर। ओके देन। और आई थिंक यहाँ से किसी का कोई और डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। बाकी स्टूडेंट्स फोर्थ बैच वाले प्रॉफिट लॉस से अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं जी। फिलहाल तो नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, आप देखिए जहाँ पे होगा तो आप पूछें जी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें सर। जी सर जी बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप।
रेशियो अनुपात प्रपोर्शन समानुपात एंड पार्टनरशिप हिस्सेदारी। ठीक है जी। अब रेशियो की बात की जाए तो हम तो करते ही आए, जैसे x अपॉन y दैट इज x रेशियो y, a अपॉन b, a रेशियो b, 4 अपॉन 5, 4 रेशियो 5। पर क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़े, जैसे क्वेश्चन में अगर मान लीजिए राम पहले आ रहा है, श्याम पहले आ रहा है और बोला इन रेशियो रेशियो की बात की गई हो 4:5, तो जैसे पहले राम है तो राम 4, श्याम बाद में तो 5, तो ये क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह से हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखिए ये जो रेशियो आया दैट इज मान लीजिए x अपॉन y इट इज इक्वल टू x रेशियो y, तो ये जो x है दिस x इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो y है इसको हम बोलते हैं कंसिक्वेंट। कंसिक्वेंट रेशियो में फर्स्ट दैट इज एंटीसीडेंट एंड सेकंड विल बी कॉल्ड कंसिक्वेंट। अब रेशियो की बात होगी सिंपली टाइप्स, रेशियोज हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ रेशियो चला, टाइप्स ऑफ रेशियोज फर्स्ट अगर बात की जाए डुप्लीकेट रेशियो। अब ये डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ए और बी हैं, फिर आगे आ गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए रेशियो बी, और यहां पे आ गया ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, मीन्स ये जो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर है इज कॉल्ड डुप्लीकेट। ये किसकी डुप्लीकेट कहलाएगा, ए रेशियो बी का। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाऊं, एग्जाम्पल मेरे पास बोला गया है अगर डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करनी है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5, 2:5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा जी, तो 2 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर, सो 4:25। तो ये हमारे पास डुप्लीकेट रेशियो की बात की गई है। नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट में स्क्वायर आ गया और सब डुप्लीकेट में अंडर रूट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी है और यहां पे अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी आ गया, तो ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट, सब में क्या आ जाएगा जी, रूट आ जाएगा, और सब को हटा दिया जाए डुप्लीकेट बात की जाए तो स्क्वायर, डुप्लीकेट में स्क्वायर और सब में हमारे पास रूट। एग्जांपल के तौर पे अगर बात की जाए तो 4 अंडर रूट 4 या 4:9 इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा, तो अंडर रूट 4:9, सो परफेक्ट स्क्वायर है 2:3 आएगा जी मेरे पास। तो ये मेरे पास सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया जी, डुप्लीकेट हो गया, सब डुप्लीकेट हो गया। फिर हमारे पास आता है जी ट्रिप्लीकेट रेशियो। देखिए जो वर्ड है उस वर्ड से पता लग रहा है, डुप्लीकेट डबल, स्क्वायर सब डुप्लीकेट अंडर रूट, ट्रिप्लीकेट ट्राई थ्री मीन्स तो क्यूब, ए रेशियो बी का ट्रिप्लीकेट क्या होगा, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। जो वर्ड आ रहे हैं उन वर्ड से ही हो रहा है, डुप्लीकेट में डबल, सब डुप्लीकेट में रूट, ट्रिप्लीकेट ट्राई, तो क्यूब आ जाएगा मेरे पास। और सब ट्रिप्लीकेट में क्या आ जाएगा जी हमारे पास, जैसे सब डुप्लीकेट में हमारे पास था स्क्वायर रूट, तो इसमें आ जाएगा क्यूब रूट, सब ट्रिप्लीकेट में आ जाएगा क्यूब रूट। जैसे ए रेशियो बी, तो क्यूब रूट ऑफ ए
रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी, ये सब ट्रिप्लीकेट में आ जाएगा। डुप्लीकेट हो गया, सब डुप्लीकेट हो गया, ट्रिप्लीकेट हो गया, सब ट्रिप्लीकेट हो गया। फिर हमारे पास आया इनवर्स, इनवर्स रेशियो, इनवर्स। जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी है, इसका इनवर्स, जैसे ए अपॉन वन है बी अपॉन वन, इनका इनवर्स या रेसिप्रोकल, तो वन अपॉन ए रेशियो वन अपॉन बी, रेसिप्रोकल लिया। सो वन अपॉन ए रेशियो वन अपॉन बी, या इट इज ऑल्सो इम्प्लाइज दैट बी रेशियो ए, दैट इज ए रेशियो बी या बी रेशियो ए। तो यानी कि वन अपॉन ए रेशियो वन अपॉन बी इज बी रेशियो ए, दैट इज कॉल्ड द इनवर्स रेशियो। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ रेशियोज थे, रेशियो की बात होगी हमारे पास। उसके बाद प्रोपोर्शन की बात आती है, प्रोपोर्शन समानुपात जिसे बोला जाता है, प्रोपोर्शन ये प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है। हमारे पास जब दो कोई दो रेशियोज दी गई हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फोर नंबर्स हैं ए बी सी और डी, ये फोर नंबर्स हैं, तो इनकी दो दो रेशियोज को हमने बनाना है। किस तरह, जैसे मैंने यहां लिखा ए रेशियो बी और यहां पे लिखा सी रेशियो डी, एंड नाउ दिस सिंबल इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, यानी ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें प्रोपोर्शन में, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म, फर्स्ट और फोर्थ टर्म को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। और सेकेंड और थर्ड टर्म, सेकेंड और थर्ड टर्म को हम बोलते हैं मीन्स, इनको हम मीन्स बोलते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज कॉल्ड एक्सट्रीम्स एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज कॉल्ड मीन्स। अब यहां से एक फॉर्मूला बनता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जो एक्सट्रीम्स हैं दैट इज ए इंटू डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बी इंटू सी, दैट इज ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये था हमारे पास प्रोपोर्शन। अब टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन क्या होते हैं जी, हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। फर्स्ट हमारे पास आता है थर्ड प्रोपोर्शनल। ये थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या होता है, अगर मेरे पास ए रेशियो बी है एंड इट इज इक्वल टू बी रेशियो सी, मतलब देखिए ये सेम सेकेंड एंड थर्ड टर्म, ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी, देन सी, ये जो सी है दिस सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल, ये सी जो है सी कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल, ये थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाएगा किसका, ए और बी का, ए एंड बी, देन सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल है। फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात की जाए तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, देन दिस डी, ये लास्ट फोर्थ, देन दिस डी इज कॉल्ड, ये जो डी है दिस डी इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाएगा किसका कहलाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल में ए और बी थे, यहां पे आएंगे ए बी एंड सी। थर्ड में देखिए
थर्ड की बात की है, दो नंबर्स दो लिए एक कम, थर्ड से एक कम तो टू, तो वो टू आगे ए और बी। फोर्थ बोला है, फोर्थ से एक कम थ्री, तो यहां पे थ्री आगे ए बी और सी। इसी तरह मीन निकालना हो, मीन प्रोपोर्शनल, मीन निकालना हो, अगर मेरे पास मीन प्रोपोर्शनल, अगर ए और बी ये मेरे पास दो नंबर्स हैं, इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और अंडर रूट ले लीजिए। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इन द रूट इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी। फिर आगे कुछ रिजल्ट्स दिए हैं, ये रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। फिर पार्टनरशिप की बात की है, तो पार्टनरशिप हमारे पास सिंपल अगर बात की जाए, पार्टनरशिप क्या है सभी जानते हैं। अगर मान लीजिए दो या उससे ज्यादा पर्सन इकट्ठे कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, डील हो रही है, तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। दो हैं, तीन हैं, चार हैं और वो डील कर रहे हैं और आपस में कोई एक बिजनेस स्टैंड करना चाह रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड पार्टनरशिप। जो पर्सन इस पार्टनरशिप में एंटर करेगा उनको हम बोलते हैं पार्टनर्स, उनको पार्टनर्स बोला जाता है। तो ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये सिंपल ही है हमारे पास। तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2 से, एक्सरसाइज 2 से क्वेश्चन नंबर 7 था, इस 7th क्वेश्चन में बोला है ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद रुपीज 4000। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया जी 4000 से, ए ने, एंड बी ज्वाइंस द बिजनेस 4 months लेटर, और बी ने जो है वो 4 महीने बाद, 4 महीने बाद वो बिजनेस स्टार्ट किया। तो देखिए यहाँ पे दो बात की है, ए और बी, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 4000 से, तो ये आ गया जी 4000, ठीक है। फिर आगे बोला है बी स्टार्ट्स, बी ज्वाइंस द बिजनेस 4 months लेटर विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5000। बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 5000 से, लेकिन वो बाद में ज्वाइन किया। ईयर, ईयर की बात है, मल्टीप्लाई बाय 12। फिर यहां पे रेशियो, क्योंकि शेयर की बात है, और इसने क्या किया 4 months लेटर, तो 12 - 4, तो ये आ जाएगा 4000 × 12 = 5000 × 8, ये बात होगी जी उनकी। नाउ ऑन कैलकुलेशन 3 zeros कैंसिल विद दिस 3 zeros, तो हमारे पास जो बचेगा दैट इज 4 × 12 = 5 × 8 एंड इट इज इक्वल टू 48 ratio 48 upon 40। हाँ जी हाँ जी, हाँ 5 है, आप 3, आपने 3 लिखा है, नहीं नहीं 3 नहीं है, ये 5 है, 5 8 5 = 40, ये 3 नहीं है, ये 5 है, तभी 40 आया यहाँ पे, ये लाइन आगे आगे चलेगी है। तो ये आ गया 48 ratio 40, दैट इज 6 ratio 5। अब 6 ratio 5 है मींस ए का शेयर आ गया 6 और बी का शेयर हमारे पास आ गया जी 5। नाउ ए इज इक्वल टू 6x और बी हमारे पास आ गया जी 5x, x इज द शेयर, ठीक है, ए का 6x बी का 5x। अब क्वेश्चन में बोला है सम, लास्ट में देखिए जब उसने उनको बोला गया है आफ्टर 1 year दे अर्न अ प्रॉफिट, 1 year की बात थी, तो देखो यहाँ ये 12 और 12 - 4, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 22000 आफ्टर 1 year। सो इट मींस हम क्या करेंगे, 6x + 5x, 6x + 5x इट इज इक्वल टू 22000, सो इट इज 11x = 22000, 11 × 2 = 22, सो x हमारे पास आ जाएगा जी 2000। तो a का शेयर कितना आएगा, a का शेयर था हमारे पास 6x, दैट इज 6 × 2000 which is equal to 12000,
और बी का शेयर कितना आएगा, बी का शेयर था 5x, दैट इज 5 × 2000 विच इज इक्वल टू 10,000, और जब हम ऐड करेंगे 12 + 10 = 22, तो हमारे पास 22,000 आ रहा है जी। हाँ जी, गेटिंग और नॉट हो गया रंजीत? यस सर। अच्छा जी, उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर एट। जी 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 हाँ, क्वेश्चन नंबर एट हमारे पास क्या बोला है इसमें, ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद ₹2000। ठीक है जी, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 2000 से। बी ज्वाइंस हिम आफ्टर 3 months, ये भी सेम आई थिंक किसी तरह का है। बी ज्वाइंस आफ्टर 3 months, यानी कि क्वेश्चन नंबर एट एक्सरसाइज टू, यहाँ पे ए की बात, यहाँ पे बी की बात। ए स्टार्ट्स विद द बिजनेस ऑफ 2000, तो ये आ गया जी 2000। बी ज्वाइंस हिम आफ्टर 3 months, 3 months के बाद उसने ज्वाइन किया तो ₹4000 से। ठीक है जी। सी इन्वेस्ट अ सम ऑफ ₹10,000, और सी भी आ गया, तो सी ने कितना इन्वेस्ट किया जी 10,000 इन अ बिजनेस फॉर 2 months ओनली, सिर्फ 2 months के लिए। एट द एंड ऑफ ईयर, ईयर की बात की है तो ए 12, बी की बात है तो बी बोल रहा है आफ्टर 3 months, तो 12 - 3 = 9, तो यहां पे आ जाएगा 9। और सी की बात है तो सी बोला है फॉर 2 months ओनली, सिर्फ 2 months, तो मल्टीप्लाई बाय टू। तो अगर देखा जाए तो 3 zeros यहां से हमारे पास ये कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 × 12 = 24, 9 × 4 = 36 और 10 × 2 = 20, तो ये आ रहा है हमारे पास 24, 36, 20, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो 4 × 6 = 24, 4 × 9 = 36, 4 × 5 = 20, सो इट इज 6:9:5। अब देखिए, 6 जो है वो आ गया ए का शेयर, 9 जो है वो आ गया आपके पास बी का शेयर, और 5 जो है वो आपके पास आ गया जी सी का शेयर। तो यानी कि ए का शेयर आपके पास आ गया 6x, बी का शेयर आ गया जी 9x, और सी का शेयर आ गया जी 5x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है लास्ट में, एट द एंड ऑफ ईयर द बिजनेस गिव ए प्रॉफिट 1,12,000। प्रॉफिट मींस ऐड कर दीजिए 6x + 9x + 5x = 1,12,000, सो इट इज इक्वल टू 6 × 5 = 11 + 9 = 20x = 1,12,000, और यहां से x हमारे पास आ जाएगा 2 × 5 = 10 × 2 = 6 = 12 × 0 = 0, x आ जाएगा 5,600। अब x 5,600 आ गया जी, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे a, b और c का कितना शेयर था, तो a का शेयर कितना आ जाएगा जी हमारे पास यहाँ पे, a का शेयर था 6x, दैट इज 6 × 5 = 600, सो 0 × 6 = 36 और 6 × 5 = 33 33,600। पी का शेयर कितना आएगा, 9x है, 9 × 5 = 600, ये आ गया 0 0, 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, सो 55,04,00। और सी का शेयर हमारे पास है जी 5x, तो 5 × 5 = 600, 0 0 6 5 = 30 0 5 5 = 25 + 3 = 28 so 28 28,000। ठीक है, और जब आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे 0 0 6 4 10 3 1 4 8 12 2
3, 1, 4, 5, 9 to 11 तो देख सकते हैं जी, टोटल हमारे पास 1,12,000 आ रहा है, हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। हाँ जी, किसका क्वेश्चन था ये? हाँ जी रंजीत। हाँ सर, समझ आ गया? हाँ हाँ सर, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं? देखिए शॉर्टकट अब क्या करें, शॉर्टकट तो नहीं हो सकता है, शॉर्टकट नहीं हो सकता है, कैसे करें इनको हमें? देखो मैंने तो यहाँ शॉर्टकट ही करवाए हैं, जैसे हाँ। मैं सिंपली करके जैसे मैंने ए बी सी जिस तरह मेरे पास क्वेश्चन में दिया था, जैसे मैं कंपटीशन में बैठा हूँ तो मैंने उसी तरह करके किए, जैसे ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया, उसी तरह जो क्वेश्चन में दिया मैंने उसके अकॉर्डिंग, मतलब यही शॉर्ट है। अब स्टेटमेंट्स मैंने देखिए, मैंने स्टेटमेंट्स कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मैं मैथमेटिकली और डायग्रामेटिकली चला, डायग्रामेटिकली से ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है? हाँ, मतलब अगर और लॉन्ग करना है तो वो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं हम वो करते हैं, लेट करके वो करके, लेकिन मैंने वैसा कुछ नहीं किया, मैथमेटिकली डायग्रामेटिकली मैंने ये चीज की है, डायग्रामेटिकली जो बोला गया, ठीक है? यस थैंक यू। ओके हाँ जी राणा जी, और है किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, आज के डाउट्स पूरे हो चुके हैं, थैंक यू सर। ओके, और किसी का कोई, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, किसी का कोई डाउट या कोई डिस्कशन हो तो वो पूछ सकते हैं जी। जी हाँ जी, कोई न्यू स्टूडेंट्स जो है अगर उनको लगता है आज तो ठीक है, मैंने हाँ पहले वो मेरे को नहीं पता कि नए स्टूडेंट्स भी आए हैं, तो मैं डाउट्स क्लियर कर रहा था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा थोड़ा सा जो फॉर्मूलेज है बेसिक है वो थोड़ा थोड़ा सा करवा दिया करूंगा जी। जी सर, जी जी जी, तो अभी तो कोई डाउट है नहीं सर। ओके ओके सर, देन थैंक यू, कल मिलते हैं नेक्स्ट टू टॉपिक साथ। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ओके। ओके स्टूडेंट्स, देन आप भी ध्यान रखें अपना, ओके? कोरोना की सेकंड वेव है तो उससे अपने आप को सेफ रखें, प्लस मॉक टेस्ट दिए हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए गए हैं, प्रदीप सर ने बहुत ही अच्छे से फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किए हैं अलोंग विद एग्जांपल्स, है ना? नाउ इट्स योर टर्न, आपकी टर्न है कि आप अब प्रैक्टिस करो उसके बाद, है ना? तो प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म आपको दिया हुआ है, एंड ऑल द मॉक टेस्ट, ओके? चलिए, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट टू टॉपिक्स के साथ, बाय बाय, ध्यान रखो अपना।